देश के सर्वोच्च सेनापति परम योद्धा महावीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और देश के अन्य जवान की शहादत पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जनरल रावत की अर्धांगी मधुलिका रावत पति संघ शहादत पर महिलाओं की टुकड़ी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने शामिल हुई। शहर के हर गली स्थित आरएसएस कार्यालय के एक प्रांगण में से विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला मंत्री कैलाश विश्वकर्मा तथा बजरंग दल के जितेंद्र प्रताप जीतू के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की टोली ने मौन यात्रा निकाली और प्रजातंत्र चौक के पास जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के पास नुक्कड़ सभा आयोजित कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया, उनके शौर्य गाथा का वर्णन किया गया और देश के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की सराहना करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। सीडीएस बिपिन रावत के साथ 13 अन्य की मौत जो तमिलनाडु में प्लेन क्रैश से हुई, उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए जितेंद्र कुमार जीतू ने कहा कि बिपिन रावत देश के आन बान शान थे, दुश्मन ने उनके नाम सुनकर कांपते थे, पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे माधुरी वर्णवाल, रेखा रानी, सावित्री वर्णवाल, गीता वर्णवाल, सुनीता वर्णवाल, प्रीति वर्णवाल, पुष्पा रंजू, अवनीत सिंह, पंकज कुमार, सुरेंद्र साहू, साकेत निजाबत, बजरंग दल के सह संयोजक सूरज प्रताप, नगर संयोजक चंदन भगत, सह नगर संयोजक अनीश सिंह, विजय पांडे, संजीत कुमार, बद्रीनाथ गुप्त, अमरेंद्र कुमार, लोकल यादव, राजपाल यादव, विवेक शर्मा, राहुल कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बिपिन रावत अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा जनरल बिपिन रावत आपका नाम रहेगा। रंजीत कुमार की रिपोर्ट। कल का दिन हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। बिपिन रावत जो हमारे देश की आन बान शान थे, हमारे बीच नहीं रहे, प्लेन क्रैश में उनकी पत्नी सहित 12 सेनानायक देहांत कर गए। ये ऐसे सेनानायक थे जिनसे पाकिस्तान चीन थर्राता था। कई देशों ने इनके देहांत पर शोक प्रकट किया है। मैं जहां तक जानता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक इन्हीं का देन था और उन्हीं का बयान था कि अगर दुश्मन की एक गोली चलेगी तो हम लोग गोली को गिनेंगे नहीं। बिपिन रावत अमर रहे, भारत माँ के पुत्र बिपिन रावत अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन रावत का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारे लिए दुर्भाग्य दिन है देश के लिए कि हमारे बिपिन रावत जी हमारे मैंने नहीं रहे, वो ट्रेन क्रैश से उनकी मृत्यु हो गई है और आज हम लोग इनकी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमें याद है कि सर्जिकल ऐसे स्ट्राइक में भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमारे बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, हम उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।